और कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है वो हो सकता है, और सूत्रों के मुताबिक इस मामले को औपचारिक तौर पर एनआईए टेक ओवर कर सकती है। और जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल ने साल 2017 में भोपाल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में टाइम बम रख दिया था, जिसमें विस्फोट होने से कई यात्री घायल हुए थे। और तफ्तीश के दौरान में इस आतंकी वारदात के तार बिहार के मोतिहारी से जुड़े हुए नजर आए, और रेल हादसे के आरोपियों से भी तार जुड़े थे। साथ ही दुबई में कारोबार करने वाले नेपाल के शमशुल हुदा का नाम भी सामने आया था। अब तक हुई तफ्तीश में कालिंदी एक्सप्रेस के जिन डिब्बों में पेट्रोल और बारूद मिला है, उसका कनेक्शन कन्नौज के छिबरामऊ की दुकान का है। सूत्रों के मुताबिक ये रेलवे पर लोड वुल्फ अटैक की कोशिश भी हो सकती है। तो कानपुर में सिलेंडर में ट्रेन के टकराने के मामले में एक्शन जारी हो गया है। पुलिस, एटीएस और जांच एजेंसी 10 किलोमीटर के रेडियस में पूछताछ कर रही है, और शिवराजपुर टोल प्लाजा पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में ले लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर ट्रेन पलटाने की साजिश में जांच तेज कर दी गई है। 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सभी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच और साथ ही एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने का मामला सामने आया था, शिवराजपुर थाने में पूछताछ चल रही है। एटीएस की हिरासत में अभी 4 संदिग्ध हैं, और साथ ही ये सभी जमाती बताए जा रहे हैं, और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही जो आसपास का इलाका है वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर से मामला सामने आया था, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की कोशिश की गई थी, और उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें जांच तेज कर दी गई है। एक्सप्रेस के डिरेल करने की योजना विफल हुई, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच, एटीएस, आईबी और तमाम एजेंसीज इस वक्त युद्ध स्तर पर जुटी हैं, और कहीं स्नीफर डॉग्स तो कहीं एटीएस की टीम, और ऐसे में न्यूज 18 टीम इस टाइम यहाँ आप देखिए खड़ी है, जहाँ टोल शिवराजपुर है, जहाँ सीसीटीवी कंट्रोल रूम है। यहाँ हम यहाँ आके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टीम यहाँ भी पहुँची थी, और यहाँ के जो मैनेजर हमारे सामने बैठे हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर, आप लोग यहाँ मैनेजर हैं, कौन कौन एजेंसी अभी तक आई है यहाँ देखने के लिए, क्या क्या लेके गई है यहाँ? सर, इंटेलिजेंस आई, यहाँ पुलिस आई, यहाँ आरपीएफ की आई, यहाँ एटीएस की आई, यहाँ डाग वाली, सारी जितनी खोज एजेंसियां हैं सब यहाँ आई। मैं उनके प्रयास, उनके सहयोग के लिए सतत प्रयास हूँ। जो भी लोग आ रहे हैं, जो मांग रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ सर। फुटेज दे दिया आपने उनको? फुटेज उनको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी, चूँकि हमारे रेंज के बाहर का मामला है, लेकिन जो भी लोग अपना लेना चाह रहे हैं अपने मोबाइल में ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टोल के मैनेजर, इनका साफ कहना है कि हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है, जो भी टीम्स आ रही हैं, जो एजेंसीज आ रही हैं, जिस प्रकार का सहयोग हमसे चाह रही हैं, हम दे रहे हैं। लगातार 3 दिन से एजेंसीज यहाँ पहुँच रही हैं, और एक एक करके देखिए, यहाँ की स्नीफर डॉग की बात की जाए, डॉग स्क्वाड की बात की जाए, वो टीम्स भी आई। जो जो फुटेज उस तारीख के, जिस तारीख को घटना है, उसके शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक के जो फुटेजेस हैं, सब खंगाले जा रहे हैं, और रोज पुलिस यहाँ कैंप कर रही है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। कानपुर में ट्रेन डीरेल करने की हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरह से ट्रैक से गैस भरा सिलेंडर बरामद किया गया है, उसके बाद में आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और वहीं आईबी और एनआईए की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का शक है। इधर कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की जांच तेज कर दी गई है, और साजिश की हर एंगल से जांच की जा रही है। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी के बाद में अब एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिलने से जांच एजेंसियों को बड़ी आतंकी साजिश का शक है। वहीं मामले में अब तक 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कानपुर के बाद में अब राजस्थान में ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम हुई है। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के कुछ भारी भरकम ब्लॉक मिले हैं, और ट्रेन को पलटाने के लिए ये पत्थर ट्रैक पर रखे गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि एक ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक से टकराकर आगे निकल गया और हादसा होने से बच गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई।
कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक और साजिश का पर्दाफाश हो गया। रात के अंधेरे में राजस्थान के अजमेर में एक बार फिर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। इस बार उनका टारगेट कोई एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन नहीं बल्कि एक मालगाड़ी थी। ८ सितंबर 2024 रात 10:36 रेलवे पुलिस को सूचना मिलती है कि अजमेर के सरधना में रेलवे ट्रैक पर 70 किलो के सीमेंट के दो ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि ट्रेन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। नहीं, सुरक्षा एजेंसी को सबको सूचना दी गई है और सभी कुछ तो मौके पे विजिट कर चुके हैं और कुछ अभी विजिट करने वाले हैं। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि रात को किसी ने घटना करी है, तो जो मोबाइल एक्टिवेट अगर किसके उस टाइम थे तो एक डाटा लेके और उसके हिसाब से एनालाइज करके और कार्रवाई करें। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी, तभी DFC कॉरिडोर के पास मालगाड़ी को पलटाने की साजिश रची गई। ट्रेन के तेज रफ्तार में होने के चलते वो सीमेंट ब्लॉक तोड़कर आगे निकल गई। पुलिस और रेलवे प्रशासन दोनों ही मामले को गंभीर बता रहे हैं। देखा मामला तो सीरियस है, अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है इसमें कोई शक नहीं। यह हरकत मालगाड़ी को लूटने के इरादे से की गई थी या फिर किसी अन्य अनहोनी और दहशत फैलाने के लिए इसे अंजाम दिया गया, पुलिस इस गुत्थी को भी सुलझाने में लगी है। जो लमाना गांव मंगलियावास का शरद का गांव है, उसकी जो DFCC रेलवे लाइन है उसकी ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर दो सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने दो ब्लॉक्स रखे थे जिनको जनानीनी हुई ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24। राजस्थान में ये एक महीने में तीसरी बार है कि ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था और 23 अगस्त को पाली में वंदे भारत सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई थी।